नमस्कार दोस्तों, कैसे हो? होप करता हूँ कि आप लोग काफी अच्छे होंगे। दोस्तों, आज का वीडियो बहुत ही ज्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि आज हम बात करने वाले हैं कि क्या 2020 में पग डॉग खरीदना सही है या फिर नहीं है, क्योंकि टाइम टू टाइम डॉग्स में भी चेंजेस आते हैं। क्लाइमेट में किस तरीके से वो अडॉप्ट करे, लोगों की जो लाइफ स्टाइल चेंज हो रही है दिन पर दिन, क्या उसमें कोई डॉग अडॉप्ट कर रहा है या फिर नहीं कर रहा है। क्योंकि अगर हम बात करें 20 साल पहले की, तो उस टाइम में जर्मन शेफर्ड पॉपुलर नहीं था, लेकिन आज जर्मन शेफर्ड का क्रेज लोगों में बहुत ज़्यादा बढ़ रहा है। तो उसी तरीके से 15 साल पहले पग डॉग का क्रेज लोगों में बहुत ही ज़्यादा नहीं था, लेकिन 5 साल पहले या फिर 7 साल पहले लोगों में पग डॉग का बहुत ज़्यादा क्रेज आया। तो आज हम बात करने वाले हैं कि क्या 2020 में पग डॉग खरीदना सही है या फिर नहीं है। तो इस वीडियो में लास्ट तक जरूर बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों, चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो आपको एक मजेदार चीज पता होगा कि इस पग डॉग को वोडाफोन डॉग के नाम से भी जानते हैं, और खास करके इंडिया में। और ये तब पॉपुलर हुआ जब वोडाफोन वालों ने इसका एड स्टार्ट किया। दोस्तों, उस टाइम ये डॉग बहुत ही ज्यादा पॉपुलर हुआ और लोगों ने इसे बहुत ही ज्यादा पसंद किया, और इसे बहुत सारे लोगों ने खरीदना स्टार्ट किया। तो उस टाइम में ये डॉग बहुत ही ज्यादा फेमस हो गया था। लेकिन दोस्तों, अगर अभी का बात करें तो मैंने बहुत सारे ब्रीडर से बात किया, उनका ये कहना था कि जितना पहले ये डॉग सेल होता था, अब उतना सेल नहीं हो रहा है। इसलिए लोग जितना भी ब्रीडर हैं, वो अब इससे धीरे धीरे पीछे हट रहे हैं, इसे रखना नहीं चाहते हैं, क्योंकि अब इसके सेलिंग में उतना ज़्यादा मुनाफा नहीं है। लेकिन दोस्तों, हमें सेलिंग पे बात नहीं करना है, हमें बात करना है कि क्या रखने में कोई फायदा है या फिर नहीं है। दोस्तों, इसके बारे में मैं आपको बता दूं कि नॉर्मली 10,000 के अराउंड में आपको मिल जाएगा, और कहीं कहीं आपको 13 या फिर 15,000 में मिलेगा। दोस्तों, ये जो पग डॉग होते हैं बहुत ही कम बार्क करते हैं, लेकिन ये डॉग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, बहुत ही ज़्यादा लविंग होते हैं, अपने फैमिली को, अपने फैमिली मेम्बर को बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हैं। लेकिन साथ ही साथ आपको इसका बहुत ही ज़्यादा ख्याल भी रखना पड़ेगा, क्योंकि इसका मुँह इस तरीके का जो चपटा होता है, तो जब भी वो खाना खाएगा तो उसके नाक में बहुत ही आसानी से वो चिपक जाता है, तो आपको रुमाल से इसको पोछना पड़ेगा। तो दोस्तों, मैं लेने से पहले बता दूं कि ये डॉग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट होते हैं, लेकिन साथ ही साथ आपको इसका ख्याल भी रखना पड़ेगा। और अगर हम बात करें पहले का या फिर अभी का, तो डॉग में कोई भी चेंज नहीं आया है। तो आप इसे पहले के जैसा ही रख सकते हो। डॉग बहुत ही ज़्यादा इंटेलिजेंट है, बहुत ही ज़्यादा स्वीट है। अगर आपको एक पग डॉग बहुत ज़्यादा पसंद है, तो आप इसे ले सकते हो। फैमिली के लिए बहुत ज्यादा अच्छा डॉग है। तो इसके लिए मैं आपको बेस्ट ऑफ लक कहना चाहता हूं, अगर आप एक पग डॉग लेना चाहते हो। तो दोस्तों, यही था हमारा आज का वीडियो। होप करता हूं कि आपको काफी अच्छा लगा होगा। दोस्तों, ये वीडियो आपको कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताना। और दोस्तों, आप लोग एक चीज जरूर बताना कि आपके आसपास में पग डॉग कितने में मिलता है। दोस्तों, हम मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में। अगर आप एक डॉग लवर हो, तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, जिसका नाम है पॉम टॉय अनुराग, इसी तरीके का रेड कलर में आपको नीचे मिलेगा, और साथ ही साथ बेल के आइकन को भी दबा देना। दोस्तों, अगर आप एक डॉग लवर हो, तो इस ऐप को जरूर इंस्टॉल कर लीजिए, जिसका नाम है डॉग एंड ऑनर। इसमें 100 से ज्यादा ब्रीड के बारे में बताया गया है, और साथ ही साथ उसके डिवॉर्मिंग, वैक्सीनेशन, खाना, सब कुछ बताया गया है। तो इस ऐप का लिंक डिस्क्रिप्शन में है, उसको इंस्टॉल कीजिए। दोस्तों, हम मिलते रहेंगे बहुत सारे वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, जय हिंद।